हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर्ड फोल्डर विद द होस्ट सिस्टम, यानी आप कैसे अपने होस्ट सिस्टम या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फोल्डर शेयर कर सकते हो विद योर गेस्ट यानी काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स में। इट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट क्लिक ऑन डिवाइस, देन उसके बाद शेयर्ड फोल्डर्स और उसके बाद शेयर फोल्डर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद हम एड फोल्डर आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक और पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। यहाँ फोल्डर पाथ टेक्स्ट बॉक्स में फोल्डर सेलेक्ट करना होगा जिसे हम काली लिनक्स में शेयर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ अपने डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा और उसको नेम देता हूँ काली शेयर फोल्डर और उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रीड ओनली यानी फाइल को खाली रीड कर पाओगे आप, एडिट या डिलीट नहीं कर पाओगे, तो मैं इसको टिक नहीं करूँगा। मैं यहाँ ऑटो माउंट पे टिक करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं काली स्टार्ट करूँ तो यहाँ फोल्डर ऑटो माउंट हो जाए। और उसके बाद मेक परमानेंट पे भी टिक करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परमानेंट शेयर फोल्डर रहे। और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा शेयर फोल्डर ऐड हो चुका है। तो अब हम इस शेयर फोल्डर को काली लिनक्स में ओपन करके देखेंगे कि हमें एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। अगेन यहाँ भी ओके करना होगा। अब हम शेयर फोल्डर को ओपन करेंगे, उसके लिए हमें फाइल मैनेजर में जाना होगा, देन उसके बाद शेयर फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें परमिशन डिनाइड का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, यानी हम ऑथोराइज नहीं है शेयर फोल्डर को एक्सेस करने के लिए। वर्चुअल बॉक्स शेयर फोल्डर को बाय डिफ़ॉल्ट खाली रूट यूज़र ही एक्सेस कर सकता है, तो अब हमें काली यूज़र को अलाउ करना होगा एक्सेस फॉर शेयर फोल्डर, तो इसको क्लोज कर दें। तो अब हम टर्मिनल को ओपन करेंगे, लेट मी जूम इन ताकि आपको कमांड क्लियरली दिखा सकूँ। टाइप sudo -i टू टेक सुपर यूज़र प्रिविलेजेस, देन टाइप योर पासवर्ड, नाउ वी आर रूट। अब हम टाइप करेंगे एड यूज़र और उसके बाद यूज़र नेम जो ऐड करना चाहते हैं शेयर फोल्डर में। तो मेरा यूज़र नेम काली है, तो आप अपने यूज़र नेम यहाँ से देख सकते हो। तो मैं टाइप करूँगा काली और उसके बाद वी बॉक्स SF यानी वर्चुअल बॉक्स शेयर फोल्डर और इंटर कर दूँगा। तो काली यूज़र ऐड कर लिया है हमने शेयर फोल्डर में। तो अब हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेंगे। गाइज हमारी काली लिनक्स रीस्टार्ट हो चुकी है, तो अब हम देखेंगे कि एक फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। यस, अब हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक फोल्डर बना के दिखाऊंगा और नेम दूंगा टेस्ट फोल्डर, क्लिक ऑन क्रिएट। अब हम इस फोल्डर को अपने होस्ट सिस्टम यानी विंडोज़ में ओपन करके देखेंगे। तो लेट मी मिनिमाइज दिस विंडोज़। तो यहाँ हमारा शेयर फोल्डर है, तो आप देख सकते हो जो फोल्डर हमने काली में बनाया था वो अब हम विंडोज़ में एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि होस्ट सिस्टम से भी फाइल शेयर कर सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ इस फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा, एक टेस्ट फाइल, और यहाँ हम कुछ लिखेंगे। अब देखते हैं ये फाइल हम अपने गेस्ट मशीन यानी काली लिनक्स में एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो यस, ये रही फाइल, इसको ओपन करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम अब कोई भी फाइल या फोल्डर होस्ट टू गेस्ट या गेस्ट टू होस्ट सिस्टम शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।